पेंशन के सारे काम घर बैठे करने के लिए आपको सबसे पहले आपके अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में सर्च बार में ऊपर यहाँ पर सर्च एप्स, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको टाइप कर देना, अब यहाँ पर आपको टाइप करना राजस्थान पेंशन ऐप। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर राजस्थान पेंशन ऐप, इस तरीके से टाइप करके आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पर इस तरीके से ऐप आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान सोशल पेंशन, इस तरीके से ऐप आपको देखने को मिलेगा। इसको आपके मोबाइल में इंस्टॉल आपको कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन आपको देखने को मिलेगा। ओपन यहाँ पर आप देखते हो ओपन पर क्लिक कर देना। ओपन पर जैसे क्लिक करोगे सोशल सिक्योरिटी पेंशन यहाँ पर आप देखते हो इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ से इसको अलाव आपको कर देना। अलाउ जैसे करोगे आपको इस तरह के इंटर पे देखने को मिलेगा। क्लोज कर देना, जैसे आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर आप देखते हो इस तरह से ये इंटर पे देखने को मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार का ऐप है, इसके माध्यम से आप पेंशन के सारे काम घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, आप इसको हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप इस ऐप को चला सकते हो। आप देखते हो इंग्लिश पर क्लिक करोगे इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा। दोनों लैंग्वेज में आप इस ऐप को चला सकते हो। वापस हिंदी पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर देखते हो हिंदी में यहाँ पर इस तरीके से ऐप शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पेंशन आवेदन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी कस्टमर का पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा देने, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वापस से होम पर क्लिक कर देना। होम पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आवेदन की स्थिति यहाँ से चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो आवेदन की स्थिति, अगर आपने भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाया पेंशन का यहाँ पे कि मित्र धारक हो तो किसी का भी, आप यहाँ से पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आवेदन क्रमांक PPO नंबर आपको डाल देना। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है इसमें कैप्चा कोड सही से फिलअप कर देना तो यहाँ पर आपको भी आवेदन स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म अप्रूव आया, कैंसिल हो गया या पेंडिंग है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सही से आपको आवेदन क्रमांक डाल के कैप्चा डाल के स्वीकार, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी डिटेल शो हो जाएगी। कस्टमर की डिटेल यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। सारे डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर पेंशन मिल रही है रेगुलर पेंशन इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ये डिटेल सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। वार्षिक सत्यापन आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी इसका इनका अभी आप देख सकते हो सत्यापित 2024 के लिए, उसके बाद में इसको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। अब वापस से आपको यहाँ पर इस तरीके से चेक करने के बाद में यहाँ पर आप और भी काम कर सकते हो पेंशन के। वापस से आपको वापस जाए, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो वापस से आप यहाँ पर आ जाओगे। आप अपने आधार नंबर से भी चेक कर सकते हो पेंशनर के आधार नंबर से। आधार नंबर आपको डालना, उसके बाद में नीचे कैप्चा आपको फिलअप कर देना वापस से सही से। इसमें कैप्चा डाल के आपको स्वीकार पर क्लिक कर देना। आप मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हो मोबाइल नंबर, इस पर टिक मार्क लगाना। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना, कैप्चा आपको डाल के स्वीकार पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर में भुगतान खाता, आप अपने पेंशन का पेमेंट यहाँ से चेक कर सकते हो पेंशन का पेमेंट आया या नहीं, बैंक खाते में आपके कौन से महीने का पेमेंट आ गया, सारा रिकॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आवेदन क्रमांक नंबर आपको डाल देना, कैप्चा यहाँ पर आपको सही से फिलअप कर देना। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर अभी जो आपके भी जुलाई अगस्त की जो पेंशन आई है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सितंबर महीने की जो पेंशन पेंडिंग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो पेंशन के पूरे सारे काम यहाँ से आप कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। यहाँ पर इस तरह से आवेदन क्रमांक नंबर डाल के स्वीकार पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेंशन की सारी डिटेल शो हो जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम, आपके पेंशन के नंबर, आपके पेंशन की योजना, इस तरीके से आपका बैंक यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो जाएगा। नीचे आप जैसे आओगे तो यहाँ पर आप देखते हैं आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जून महीने की यहाँ पर आप देखते हो इस तरीके से डेट आपको देखने को मिल रही है। जुलाई महीने की, अगस्त महीने तक की यहाँ पर पेंशन आ चुकी है और सितंबर महीने की आप देखते हो पेमेंट पेंडिंग है।
अभी सितंबर महीने की पेंशन नहीं आई है, तो इस तरीके से लिखा हुआ जैसे आ जाएगी यहाँ पर भी डेट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप पेंशन चेक कर सकते हो, पेंशन के सारे रिकॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन, इस पर क्लिक कर देना। पेंशन का वार्षिक सत्यापन भी आप यहाँ से कर सकते हो। 1 तारीख से 1 नवंबर से पेंशन के वार्षिक सत्यापन शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के पैसा आधार से आप यहाँ से पेंशन का सत्यापन कर सकते हो फेस के माध्यम से बहुत ही आसानी से। तो घर बैठे आप भी खुद से यहाँ पर पेंशन का सत्यापन कर सकते हो। यहाँ से पेंशन के पूरे सारे काम आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर।